हम आपकी फंडिंग करते हैं, यू डोंट हैव द पावर टू डू, वो करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि ये बताइएगा, आपने कहा कि हम आपको फंड करते हैं, जरा प्लीज इसकी तफसील बताइएगा। 85% रेवेन्यू जो है आईसीसी का है, तो क्या वो इंडिया वर्सेस इंडिया ये खेल कर आता है? पर इतने जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग हो जाएं। आप बात सुन लें, हफीज इमरान के बोर्ड जो है बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप किसी को फंड नहीं करते, अपने साथ खेलता रहे क्रिकेट और फिर कमाता रहे। हम लोगों की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चिल ब्रो चिल, कूल डाउन। आप नहीं है, आप नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रहे ना जी। खुल के नहीं कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ न्यूयॉर्क में मैच नहीं खेलना चाहिए, पूरी टीम को अपने मुल्क में घुसने दिया, आपने कैसे बॉर्डर क्रॉस करने दिया, कर दिया टीवी पर, शर्मानी चाहिए। आप मार के इधर टीवी प्रोग्राम में कहते हो बच्चे मारते हैं, बंद हो गई, बंद नहीं हुई। अरे मोदी अपनी पूरी एयरफोर्स को भेजेगा अभिनंदन। अरे छोड़ो, अपने घर में बैठे रहे 3 महीने पहले, आपकी गैरत कहां पर? फ्रेंड, तो इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जो है वो इंडियन जो है वो सहाफ़ी जो है वो चुनाव गोस्वामी जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, उसकी बोलती जो है वो किस तरह बंद की है, उसको बात नहीं करनी आ रही। तो सर क्रिकेट बोर्ड है, उसके पैसे हमसे आते हैं, हम आपकी फंडिंग करते हैं, वी फंड यू। एंड रमीज राजा हु इज द एक्स पाकिस्तान चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, कंप्लीटली राइट, ही सेड कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। इट इज़ ट्रू, आता है। आप ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकते हाफिज इमरान जी, बुरा नमाने, मगर आप लोगों की हैसियत नहीं है कि आप ऐसी हरकत करें, क्योंकि आपने करने की कोशिश की। वी पुट यू इन योर प्लेस, वी आईसीसी, हम भी कंट्रोल करते हैं, हमने कह दिया आप नहीं कर सकते, अभी आप नहीं कर सकते, तो फाइनली आपको भुगतना पड़ा, आपको कैंसिल करना पड़ा। तो जो चीज़ यू डोंट हैव द पावर टू डू, वो करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि अभी आपको बैक ट्रैक करना पड़ा, विच मीन्स यू आर इंसल्टेड ग्लोबली। आईसीसी ने बोल दिया आप नहीं कर सकते, तो व्हाई डिड यू ट्राई टू पुल ऑफ दिस स्टंट? आप ये बताइएगा, आपने कहा कि हम आपको फंड करते हैं, जरा प्लीज इसकी तफसील बताइएगा कि आप कहां फंड करते हैं। हम आपको फंड करते हैं कंप्लीटली। कैसे बताएं ना, कैसे आप जानते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, आप जानना चाहते हैं, अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बात बताओ। यू सी 85% रेवेन्यू जो है आईसीसी का वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है। ये क्यों आता है आपको मैं बताता हूं, क्योंकि हम बहुत बड़े देश है, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है, जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है, सब इंडियन कंपनीज। आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। सो एन इंटर्न आईसीसी 55% फंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करती है, यानी कि इफेक्टिवली 50% फंडिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। दैट्स वाई रमीज राजा ने कहा, मैंने नहीं कहा, रमीज राजा ने कहा, आप देख लीजिए वीडियो, कि कल अगर भारत के प्रधानमंत्री कहे कि हम कोई फंडिंग नहीं करेंगे पाकिस्तान की, तो पूरी क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगी। ये सच्चाई है। देखिए हफीज इमरान जी, आपको बुरा लगेगा सुनकर, मगर ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एंड द वर्ल्ड रन्स ऑन मनी, यू डोंट हैव मनी, वी आर फाइनेंसिंग यू, हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं हमको टेक ऑन करने की, आप नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड नॉट पिक अ फाइट दैट यू कैन नॉट विन, यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज लेट मी स्पीक। आपने ये कहा कि आप फंड करते हैं जी, करते आप फंड नहीं करते हैं। अब आप सुनिएगा, आप फंड नहीं करते हैं। अगर आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया से आता है, तो क्या वो इंडिया वर्सेस इंडिया ये खेल कर आता है? नहीं मेरे दोस्त, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया वेस्ट इंडीज खेल कर आता है। तो इस खुबार से बाहर निकले हैं आप लोग, कि आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से आता है। अगर आपको अपने पैसे पर इतने जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग हो जाएं। आप खेलेंगे, हम सिर्फ आपस में क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया ये खेलेगा, महाराष्ट्र के साथ खेलेंगे, यूपी के साथ खेलेंगे, मुंबई के साथ खेलेंगे, दिल्ली के साथ खेलेंगे, तो खेलते रहे। जब आप दुनिया के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको मैं आपको मैं आप सुन लें हफीज इमरान जी, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं, मैं आपको गुस्सा होकर कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग भी मेरा समर्थन कर रहे हैं, आपके देश के लोग भी बोल रहे हैं। मैंने आपका सवाल सुना, मैं मेरी बात सुनिए, मैं आपको डोंट गेट अपसेट। जो कि हकीकत है। अब आप जो है ना, ये सारे के सारे आईसीसी के बोर्ड जो है बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप किसी को फंड नहीं करते, सब अपनी क्रिकेट खेलते हैं और पैसा कमाते हैं, ठीक है? अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ आपकी वजह से, तो फिर आप अपने मुल्क में रखें, सिर्फ इंडिया अपने साथ खेलता रहे क्रिकेट और फिर कमाता रहे। हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है, न्यूजीलैंड की वजह से चल रही है, श्रीलंका की वजह से चल रही है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की वजह से चल रही है, पाकिस्तान के मैच की वजह से चल रही है, ठीक है जी?
अगर इसको अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे ये सारे बिजनेस पार्टनर्स है कोई किसी नो मैं आपको बताता हूँ हफीज इमरान जी हफीज इमरान जी आप बेकार में गुस्सा करें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भारत के नंबर वन नेटवर्क पे आप आए हैं मैं नहीं चाहता आप हमारे भारत के नंबर वन नेटवर्क जो जो 40 करोड़ लोग भारत में देखते हैं वहीं पे आप कोलैप्स कर जाए ये ठीक बात नहीं। आपको बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ मैं देखिए अच्छा अच्छा हफीज जी कैन वी हैव अ टॉक मैं आपको समझाता हूँ हफीज जी प्लीज लिसन टू मी आपने सवाल किया ना अब जवाब लेना। मैं सवाल नहीं किया मैंने स्टेटमेंट सवाल किया मैं आपको जवाब दे रहा हूँ मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ जवाब पसंद नहीं आया मैं आराम से बात कर रहा हूँ आप उसका इलाज वो भी कर यू आर एक्साइटेड जवाब सुने ना आप गलत चीज लोगों को बताते हैं कि आप फंड करते हैं आप फंड नहीं करते ये बिजनेस पार्टनर्स हैं ये अपना हिस्सा लेते हैं ये सबके क्रिकेट से मगर सच्चाई ये है हफीज इमरान जी मैं मानता हूं कि ये बिजनेस पार्टनर्स हैं मगर सच्चाई ये है सुनिए मेरी बात सुनिए वेरी नाइस आप अकेले अगर खेल रहे होंगे तो पैसे आएंगे आपके पास नाउ लिसन टू मी आप क्यों रिपीट कर रहे हैं अपने आप को दोहरा क्यों रहे हैं मैं समझ गया मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं एक बार में समझ जाता हूं आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं अच्छा आप सुनेंगे नहीं मैं Hafiz, you have to cool down. I mean, chill, man. What are you going on? Chill, bro, chill. Cool down. आप नहीं हैं. आप नहीं हैं. आप सुनना नहीं चाह रहे ना? आप सुने जो बात मैं कह रहा हूँ. पता नहीं पाकिस्तानी मेरे से बात करते हैं excited हो जाते हैं. मैं I don't understand why. मैंने क्या किया मदन लाल जी? ना ये पाकिस्तानियों से बात करता हूँ मैं कूल नहीं हो गया ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं इनको बात समझ नहीं आती इनको बात समझाओ आप इनको कि ऐसे मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बार समझाऊंगा मदन लाल जी बोल रहे हैं देखिए हफीज इमरान साहब हम मदन लाल जी को बहुत मानते हैं सुनिए ना हफीज साहब मेरी बात सुनिए छोड़िए आपकी मेरी बात छोड़िए ना मैं आपको बता रहा हूँ ना आपकी मेरी बात सुन लीजिए Now the thing is this now Lalit Ambadhar is on the debate and my question right now is this see viewers I am asked today by the Pakistani panelist how can you say that you finance us I'll tell you one thing Hafiz Imran please let me also get Ijaz Wazim and Lalit and Shekhar on the program main dusron ko bhi bolne ka mauka de main keh raha hu aaj ki we can live without you can't live without us इक्वेशन ये है हम सुनिए मेरी बात हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी यू बिहेव योरसेल्फ आईसीसी के चीफ हमारे देश से पैसे हमारे देश से आते हम कंट्रोल करते हैं आपको सेकंड थिंग इज अगर आपको देखिए आपकी आपके एक बारी लाइफ में पीसीबी की प्रॉफिट हुई पता है कब ललित थोड़े आप उसको जब इंडिया टूट हुआ पाकिस्तान का 2004 में क्यों भाग रहे हैं आप घाटे में चल रहे हैं एज अ कंट्री आप घाटे में क्यों भाग रहे हैं चलो आपको भी मना कर दिया एजाज देखिए एजाज एंड ललित विल डिबेट देखिए एजाज हमने कैंसिल कर दिया आप इन्होंने एजाज लिसन टू मी यू कैन टेक एनी पोजीशन बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एजाज वी हैव कैंसल्ड योर डिसीजन फिनिश्ड डिबेट करके कोई फायदा नहीं हम बॉस है हमने कहा आप नहीं कर सकते आप पीओके नहीं ले जा सकते आपको फॉलो करना पड़ेगा वी आर द बॉस कोई बॉस नहीं है वी आर द बॉस नहीं है हम बॉस हैं आपको आपको सुनना पड़ेगा गलतफहमी ने पीसीबी अग्री कर चुकी है ब्रेकिंग न्यूज पीसीबी अग्री कर चुकी है काउंसिल कैसे बंदे स्वामी साहब ये नहीं हो सकता ऐसे ही चलता है दुनिया ऐसे ही चलती है ये नहीं हो सकता दुनिया ऐसे ही ओके एजाज वसीम एंड ललित अंबरदार ऑन द डिबेट राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन तो तब मदन लाल जी ने इनकार नहीं किया अभी न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है अगर आप लोग इतना ही आपको पाकिस्तान के साथ मसला है तो मदन लाल जी खुल के नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ न्यूयॉर्क में मैच नहीं खेलना चाहिए था प्रॉब्लम पता क्या है प्रॉब्लम ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के आपने अपना दम दिखाते दम अपना दिखा कि हम नहीं आते तो देन आईसीसी वेल टूर्नामेंट डिसाइडेड कि पाकिस्तान नहीं मदन लाल नहीं आप देखिए आप मैं बिल्कुल बात बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूं देखिए जब आपकी मर्जी है जब आप आना चाहें वर्ल्ड कप में आना चाहें आए या ना आए पैसा आपको वर्ल्ड कप खेलने का भी पैसा मिला है ऐसा नहीं है कि आपको आईसीसी ने वर्ल्ड कप खेलने का पैसा नहीं दिया लाल जी बाकी देखिए आपके जवान शहीद करने वाले आपके आपके कोलकाता में आके कैसे मैच खेल गए आपने क्यों बॉर्डर क्रॉस करने दिया आप तब कहां पे थे आपने कैसे अपने जवानों को शहीद करने वालों की टीम को अपने मुल्क में घुसने दिया आपने कैसे बॉर्डर क्रॉस करने दिया आप तो डबल स्टैंडर्ड्स की क्योंकि आप आना चाहते थे वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे आप आपने उस शाहीन को क्यों खेलने दिया जो कश्मीर में आपके बच्चे मार रहे हैं मदनलाल जी मैं एक बार ये एजाज जी को कुछ कहना चाहता हूँ देखिए एजाज जी क्या होता है एक मिनट देखिए एक श्लोक है हिंदू धर्म में क्रोधात भवति सम्मोहम
मतलब काम आपने कर दिया टीवी पर, शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म करो, शर्म करो एजाज, अरे शर्म करो। कहते हो कि अपने लोगों को भेज के भारतीय बच्चों से, अरे हमारे सेना से एक बार लड़े थे और 100,000 को पकड़ के हमने रखा था, तोड़ दिया आपके देश को, भूलिए मत, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, और फिर तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, याद याद रखिए। अरे बच्चों को मार के इधर टीवी प्रोग्राम में कहते हो बच्चे मारते हैं, इस तरह से बात की जाती है? कोई ऐसे बात करता है? हम बच्चों को मारते हैं? हिम्मत है तो हमारे सेना से लड़ो। अरे सर्जिकल स्ट्राइक जब कर दी, जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तब तो आपकी बोलती बंद हो गई, बंद नहीं हुई। अरे बोलती बंद हो गई आपकी सर्जिकल स्ट्राइक की तो अभी नंदन को, फिर आपके इमरान खान ने कहा कि भैया कुछ करो नहीं तो नरेंद्र मोदी अपनी पूरी एयरफोर्स को भेजेगा अभी नंदन को। अरे छोड़ो हफीज, 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 गलत बात मत करें, हफीज, सर्जिकल स्ट्राइक की तब तो चुप हो गए, क्यों गलत बात मत करें, सर्जिकल स्ट्राइक की चुपोगे, 1971 में देश को तोड़ दिया चुपोगे, आपके कंट्री को तोड़ दिया, दो पार्ट कर दिए, कुछ कर नहीं पाए, क्रिकेट खेलने आए हमारे साथ, नहीं खेलेंगे, चलो नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे आपके साथ, अरे नहीं खेलना यार, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ललित, इसे जबरदस्ती हमको खेलना नहीं, हाथ पकड़ के करण, करण जबरदस्ती हाथ पकड़ के खिलवाना चाहते, नहीं खेलेंगे, जाओ अपने घर में बैठे रहे, 3 महीने पहले आपकी घर कहां पे रविश ललित करण अंबरदार, क्रेजी दिस सीन्स ऑन द रिवर, क्रेजी क्रेजी टुनाइट, लेना अपने घर में बैठे रहे करण अंबरदार, गुरुग्राम से करण अंबरदार, यू मेकिंग दैट स्टेटमेंट कि जबरदस्ती खेलना चाह रहे हैं, नहीं खेलेंगे भाई आप 2023, जस्ट गो बैक टू योर एडिटोरियल बैक इन 2023, ऑन दिस वेरी चैनल वी हैड अ डिबेट अबाउट पाकिस्तान वांटिंग टू बॉयकॉट द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, कि हम इंडिया नहीं आएंगे बिकॉज इंडिया सेड वी आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर द एशिया कप, पाकिस्तान आई, दे डिडंट बॉयकॉट इट, खेल के चले गए, पैसे ही मिले उनको उनके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी हालत पता है क्या है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा, दे कांट डू एनीथिंग, ऑलराइट करण अंबरदार हिटिंग बैक हार्ड। जिस तरह आपने वीडियो में देखा है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये पैसा जो है आपने डाट लगाई हुई है कि हम जो है वो पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं, आप पाकिस्तान को कोई फंडिंग नहीं करते, ये मैचेस होते हैं तमाम टीमों के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो उससे जो पैसे जनरेट होते हैं तो फिर जो है वो तमाम बोर्ड को उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर इंडिया को लगता है कि वो इंडिया से जो है पैसे आते हैं तो इंडिया खुद से आपस में क्यों नहीं खेल रहा था, इंडिया ए वर्सेस इंडिया ए खेलता रहे, हैदराबाद दक्कन आपस में खेलते रहे और पैसे जो है वो बनाते रहे, ना खेले दूसरी टीमों से, अपनी एक दुनिया बना रहे अलग ही और उसमें जो है वो मगन रहे और आपस में खेलते रहे, ना खेला करें दूसरी टीमों से, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और पाकिस्तान ने किस तरह जो है पाकिस्तान जर्नलिस्टों ने बहादुरी से जो है वो उनके जवाब सवालों के जवाब दिए और उनके बोल के जवाब बंद कर दी। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।